फर्स्ट चैप्टर के पार्ट टू को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने आप लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक है, वहां से आप पार्ट वन देख सकते हो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं पार्ट टू को। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, इस वीडियो में आप लोगों को कुछ फैक्ट्स मालूम चलेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट मालूम चलेंगे। जैसे कि आप लोगों ने सोचा होगा या देखा होगा कि बर्फ पानी बन जाता है, पानी से भाप बन जाता है, भाप बन जाता है, वो पानी को जमाने पर वो बर्फ बन जाता है। तो कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? आप लोगों को यही चीज, ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आगे इस वीडियो में पता चलने वाली है। और आपने ये भी देखा होगा, हम कपड़े धोते हैं, सुखाने के लिए डालते हैं, सूख जाते हैं, ये फैक्ट है। और ये चीज हम वाकिफ है इस चीज से, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा ये क्यों होता है, नहीं सोचा ना। So, आज वही ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हमें पता चलेंगी आगे इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं टॉपिक पदार्थी अवस्थाएं। जैसे कि मैंने पार्ट वन में आप लोगों को बताया था पदार्थी अवस्थाएं, छह अवस्था बताई थी मैंने, ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और बोस, आइंस्टाइन कंडेंसेट और छठी बताई थी जलीय। तो मैंने ये भी बताया था कि आप लोग सोच रहे हो तीन अवस्था ही पढ़ा रहे हैं और तीन मैम, तो तीन अवस्था हमें जरूरत नहीं है एज पर योर नाइन प्लस, ठीक है। तो हम तीन अवस्था ही पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। तो स्टार्ट करते हैं ठोस अवस्था। अब ठोस अवस्था क्या होती है, आप नाम सुनते ही आप लोगों को ये पता चल रहा होगा कि ठोस चीज है, कोई मजबूत चीज की बात होने जा रही है। ठोस अवस्था में अब कैसे हम डिफाइन करेंगे ठोस अवस्था को, कैसे हम उसको एक्सप्लेन करेंगे? कुछ निर्धारित पॉइंट होते हैं, कुछ निर्धारित गुण होते हैं जिनकी वजह से हम पता लगा सकते हैं कि ये वस्तु या ये पदार्थ ठोस है, ठीक है। तो जैसे कि कुछ निर्धारित करने के पैरामीटर दे रखे हैं, निश्चित आकार, ठोस हो, ठोस पदार्थ का आकार निश्चित होता है। अब जैसे कि ये बोर्ड है, ये ठोस है, इसका आकार क्या है, निश्चित है, हम इसको बढ़ा घटा नहीं सकते, ठीक है। वो अलग बात है, हम एक्सटर्नल फोर्स देके कुछ करें तो करें, लेकिन वैसे इसका आकार निश्चित है, स्पष्ट सीमाएं। अब आप ये बोर्ड देख रहे होंगे, अब बोर्ड की सीमाएं भी स्पष्ट हैं, कोई इधर से ऊपर मतलब यही सीमाएं भी यही रहेगी, ये भी ये आगे बढ़ जाएगा, स्थिर आयतन है, ठीक है, नगण्य संपीड़ित है, हम इसको ये भी ये कंप्रेस कर सकते, संपीड़ित कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हमने इसको दबा के मार कर ठोस है, हम इसको दबा के छोटा कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सब गुण इसके ठोस अवस्था के, लेकिन मैंने आप लोगों को यही बताया था पदार्थ के कुछ अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, बताया था, याद भी होंगे आई होप। तो वो गुण क्या थे, वो गुण दीर्घ स्थान, पदार्थों के कणों के बीच दीर्घ स्थान होता है, ठीक है। दूसरा गुण क्या बताया था मैंने, पदार्थ के कणों के बीच एक निरंतर गतिशील, मतलब पदार्थ के कण निरंतर गतिशील करते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या बताया था मैंने, कि पदार्थों के कणों के बीच एक आकर्षण बल होता है, ठीक है। तो वो तीनों अभिलाक्षणिक गुण को अगर हम ठोस से कंपेयर करते हैं, कि ठोस में क्या दीर्घ स्थान और आकर्षण बल और निरंतर गतिशील वगैरह, हम ठोस अवस्था में देखते हैं कि उनका क्या होता है। सो गाइस, ठोस अवस्था, जैसे कि लेट सपोज पहला पॉइंट था कि दीर्घ स्थान अभिलाक्षणिक गुण है पदार्थ का, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं ठोस अवस्था में आपने ये देखा होगा कि मैं इस बोर्ड में हाथ मार रहा हूं तो पार क्यों नहीं हो रहा, देखिए रीजन, हम मैं दीवार पर घुसा मार रहा हूं पार क्यों नहीं हो रहा, देखिए रीजन, ठीक है। कोई भी चीज यहां से मतलब कुछ ये मारकर फेंक रहा हूं या कुछ पास, तो ये पास क्यों कर रहा है, देखिए रीजन गाइस, क्योंकि यहां पे जो कण है पदार्थ के उनकी जो गैप है वो बहुत कम है, जो दीर्घ स्थान होता है वो बहुत कम होता है ठोस में। और दूसरा गुण क्या बताया था मैंने, इनके पदार्थों पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। सो अब जब ये कण हैं, अगर ये कणों की बात करें, ठोस अवस्था में पदार्थ के कण
गतिशील नहीं करते, फिक्स रहते हैं। अगर ये गतिशील करेंगे तो ऑब्वियसली मतलब हमारा गैप हो सकता है बढ़ जाए, तो ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। तो जो गतिशील होते हैं पदार्थ कण, वो भी गतिशीलता भी क्या होती है, कम होती है। तीसरे पॉइंट की बात करें अभी, लाक्षणिक गुण तीसरा क्या था, आकर्षण बल होता है पदार्थों के कणों के बीच। तो ये आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है ठोस में एज कंपेयर टू द्रव और गैस, आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। ये आकर्षण बल इन कणों के बीच में बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है, बहुत बड़ा बल होता है कि टूट भी नहीं सकता, मतलब बहुत मतलब समीप होते हैं और उनके बीच में एक आकर्षण बल होता है कि ये लोग कण अलग नहीं हो सकते, इसी के कारण गतिशील भी नहीं होते, ठीक है। जैसे कि ठोस अवस्था कंप्लीट हो गई है, ठीक है, नेक्स्ट अवस्था की बात करें अगर नहीं बिफोर उससे पहले ना मैं आपको कुछ असाइनमेंट देना चाहता हूँ, आप लोग सोचना उसे और अपनी लैंग्वेज में आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। रबड़ बैंड को ठोस बोलेंगे, हाँ या ना, अगर बोलेंगे तो क्यों, कमेंट बॉक्स में बताने दो। नमक और चीनी का एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ आपको, नमक और चीनी अपना हम अगर उसको कहीं डाल दें, मतलब बीकर में डाल रहे हैं या किसी उसमें डाल रहे हैं, तो उस जैसा शेप ले लेता है। ठोस अवस्था हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देना चाहता हूँ, आपको पता है कि रबड़ बैंड और नमक चीनी और स्पंज पता नहीं होगा, और मैं बता भी रहा हूँ ये चीजें ठोस है, लेकिन मेरा क्वेश्चन और मैं आप लोगों को असाइनमेंट ये देना चाहता हूँ, आप लोगों को फाइंड करना है कि अब मैं इनको गलत ठहराता हूँ, तो आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। रबड़ बैंड अपना कार हम अगर खींचे तो क्या होता है, उसका कार बढ़ जाता है, और जैसे कि हमने पढ़ा ठोस में कि आकार में छिटी रहता है, तो ये क्या है, ठोस बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ठीक है, ये आप लोगों को कमेंट में करके बताना। नमक और चीनी मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम अगर इसे बर्तन में डाले, किसी भी बीकर में डाले या तो कोई भी बर्तन में, तो वो जैसा काम ले लेता है, ठीक है। तो क्या हम इसे ठोस बोलेंगे या ठोस नहीं बोलेंगे, आप लोगों को कमेंट में करके बताना है। नई बात स्पंज की, जो हमने पढ़ा ठोस में की ना संपीड़िता, हम उसे ना दबा नहीं सकते, संपीड़ित नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन स्पंज एक ऐसी चीज है हम उसे दबा देते हैं। स्पंज मतलब आपने देखा होगा जिसमें छोटे छोटे रिश्ते होते हैं और मतलब हम दबा लेते हैं आसानी से, तो क्या ये ठोस है, अगर है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। आइए दूसरी अवस्था देखिए, द्रव अवस्था। जैसे कि मैंने आप लोगों को ठोस अवस्था में बताया था कि कुछ गुण होते हैं जिनके बेस पे हम चेक करते हैं कि वो ठोस है, द्रव है, गैस है, इसी प्रकार द्रव का देखते हैं। द्रव में क्या होता है, अनिश्चित आकार होता है। अब जैसे द्रव को हम एज ए कंसीडर करते हैं जल, पानी, ठीक है, कोई निश्चित आकार है इसका, फैन तो कोई सा आकार लेगा, बोतल में बोतल जैसा आकार ले लेगा, ठीक है, अनिश्चित आकार होता है। दूसरा देखेंगे अस्पष्ट सीमाएं होती है, कोई सीमा नहीं है, अगर आप इसे चला रहे हो और ये अपनी सीमाएं बढ़ाते हुए चला जाएगा, ठीक है। निश्चित आयतन, मतलब ये तो निश्चित रहता है कि अगर एक लीटर वाटर है तो एक लीटर ही रहेगा ना, ये तो निश्चित है, ठीक है। और मैंने बताया था अभिलाक्षणिक गुण, द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन दिस चैप्टर, रिक्त स्थान। अब द्रव की बात करें, जैसे ठोस में मैंने बताया था रिक्त स्थान कम होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, रिक्त स्थान ज्यादा होते हैं। देयर इज अ रीजन, हम जब स्विमिंग कर रहे हैं अगर हम पानी में हाथ मारते हैं तो इजिली हमारा चला जाता है, मतलब हार्ड लगता है लेकिन चला जाता है, ठोस में मारते हैं तो हमारा बिल्कुल भी नहीं जाता। इसी प्रकार यही इससे ये डिफाइन होता है कि पाकिस्तान द्रव में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू ठोस, ठीक है। पदार्थों के कण निरंतर गतिशील होते हैं, तो ये चीज भी द्रव में होती है, ठीक है, और आकर्षण बल कम होता है, ठीक, ये भी फैक्ट है कि आकर्षण बल भी उनके कणों के बीच में आकर्षण बल भी कम होता है। तो जैसे कि द्रव अवस्था कंप्लीट हो चुकी है, आइए हम तीसरी अवस्था की बात करते हैं, गैसीय अवस्था। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को दो अवस्था बता चुका हूं, ठोस अवस्था और द्रव अवस्था, इसी प्रकार गैसीय अवस्था के लिए कुछ गुण होते हैं जिसके बेस पर हम ये तय करते हैं कि गैस की अवस्था है, ठीक है। तो गैसीय अवस्था में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि
संपीड़ता बहुत ज्यादा होती है, हम इसको कंप्रेस कर सकते हैं, इसको संपीड़ित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज सिलेंडरों में एलपीजी आ रहे हैं, जो हमें गैस एलपीजी आप सभी जानते होंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। गाड़ियों में सिलेंडर के तौर पे सीएनजी लगी होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है, हिंदी में बोले तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ठीक है। गुड़ों की बात करें इसकी, तो गुड़ों को गैसीय अवस्था में स्थान, अब आप ही सोचो कि मैं अगर हवा में मूवमेंट कर रहे हैं, हमारे हाथ इजली मूवमेंट हो रहा है, सो देर इज अ रीजन कि रिक स्थान बहुत ज्यादा है हवा के कणों के बीच में। हवा के कणों के बीच में क्या है, रिक स्थान बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम ऑब्वियसली कि हमारा हाथ हम बॉडी मूवमेंट कर पाते हैं, ठीक है। पदार्थ तो इसमें क्या होता है, गतिशील पदार्थ के कण गतिशील नहीं होते इतने, रोकिए यार, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, लेकिन वायु के अंदर हम ये भी सोचते होंगे कि मतलब अगर हम जैसे अवस्था की बात करें तो इसमें क्या पदार्थों के कण गतिशील होते हैं, तो हाँ बिल्कुल होते हैं। और तीसरे गुण की बात करें आकर्षण बल, इनके कण फिजिकली होते हैं वायु के अंदर, जैसे कि मैं बता चुका हूं आपको, आकर्षण बल इसमें बिल्कुल लो होता है, होते ही ना के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन एक नया पॉइंट आया है, एक नया पॉइंट आया विषण, विषण मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, विषण क्या है, दो पदार्थों का स्वतः मिलना, ठीक है। अब इसमें विषण की दर क्या होती है, ज्यादा होती है कम होती है, तो लेट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको आपसे पूछता हूं, आपने ये देखा होगा जरूर कि हम रसोई घर में खाना बनाते हैं, उसकी स्मेल हमें बाहर तक आती है, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस खाने के उस पदार्थ के कण वायु के कणों में समावेश हो जाते हैं और हमारे तक वो गंध पहुंच जाती है, वो सुगंध पहुंच जाती है, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि विस्तरण की दर उसमें बहुत ज्यादा, गैस अवस्था में विस्तरण की दर बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो गैस के अंदर हमने तीनों अवस्थाएं कंप्लीट कर ली है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैसीय अवस्था। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसा कि हमने पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पदार्थ की अवस्थाएं, तीनों अवस्थाएं हमने पढ़ी, तो एक क्वेश्चन उठता है कि क्या वो पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। हाँ, आने वाली वीडियो में यही देखने वाले हैं कि अगर बदल सकता है तो क्यों और कैसे बदलेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। जब तक के लिए यही एड करते हैं, गिव योर सपोर्ट, गिव योर लव, थैंक यू, गुड लक।